देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट में आज AIMIM के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ADM सीताराम गुप्त को सौंप कर शीघ्र रिहाई की मांग की। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कोई ऐसा कानून विरोधी काम नहीं किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वह सामाजिक कार्यकर्ता व इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्हें सरकार के इशारे में गिरफ्तार किया गया है। पहले प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों को नष्ट कर रही थी, अब हमारे मौलानाओं को गिरफ्तार कर रही है। 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। इस सिद्धार्थनगर से बचरंगे प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। ये जो लखनऊ ATS ने जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, उन्हीं की रिहाई को लेकर के हम लोग ये ज्ञापन दिए हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको जो है जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो एक जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका कोई भी ऐसा कृत्य नहीं रहा है जो देश के खिलाफ हो या समाज के खिलाफ हो। इसलिए हमारी पार्टी, हम लोग ये मांग करते हैं और जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक हम लोग पूरे देश में हमारी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी और मांग करती रहेगी।